हेलो स्टूडेंट, आज हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेल डिवीजन के अंदर इन जो सेल साइकिल होता है उसके बारे में पढ़ा था कि सेल साइकिल क्या होता है और सेल साइकिल में कौन कौन से स्टेज होती है। जैसे कि सेल साइकिल में इंटरफेज होती है, जी1 होती है, जी1 एस और एम फेज होती है, जी1, जी2, एस फेज और एम फेज होती है। आज उसी का ही आगे का प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन में एम फेज के बाद कौन से स्टेज पहुंचती है। तो सेल डिवीजन, इट इज़ द क्रोमोजोमल पैकेजिंग, इट इज़ द क्रोमोजोमल पैकेजिंग ऑफ डीएनए दैट अलाउ एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवीजन के दौरान जो डीएनए का पैकेजिंग होता है क्रोमोजोम्स के रूप में, वह जेनेटिक मटेरियल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो सेल डिवीजन के अंदर होता है। लाइफ साइकिल रिक्वायर टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस और म्यूसिस। लाइफ साइकिल में दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और म्यूसिस। सेल डिवीजन, वन सेल बिकम टू सेल ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिज्म लाइफ सेल। सेल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल में। अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस, इट इज़ ए न्यूक्लियर डिवीजन प्लस साइटोकाइनोसिस एंड प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब कि माइटोसिस, जैसे हम कह सकते हैं समसूत्री विभाजन, जिसके अंदर कोई भी सेल है, आइडेंटिकल सेल्स, कोई भी एक सेल है, वो अपनी ही तरह दो एक जैसे डॉटर सेल्स उत्पन्न करती है, जिसके अंदर न्यूक्लियर का डिवीजन भी होता है और साइटोक्लाइनस यानी साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है। इसमें चार स्टेप्स होती है। पहली है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, जिनके बारे में अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम विस्तार में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो इंटरफेज होती है, इंटरफेज इज द ऑफन इंक्लूडेड इन डिस्कशन ऑफ माइटोसिस, बट इंटरफेज इज टेक्निकली नॉट ए पार्ट ऑफ माइटोसिस, बट रादर इनकम्पासेस स्टेज जी1 एस जी2 ऑफ द सेल साइकिल। जो इंटरफेज फेज होती है वो सेल साइकिल की एक फेज होती है, जिसे कभी कभी माइटोसिस के अंदर भी पढ़ लिया जाता है, बट इंटरफेज को हम टेक्निकली माइटोसिस का हिस्सा नहीं मानते। बट उसके अंदर ये कुछ स्टेजेस होती है, जैसे जी1 एस और जी2 फेज सेल साइकिल में होती है। जैसे कि ये साइकिल है जिसके अंदर फर्स्ट है जी1, देन एस, देन जी2 और उसके बाद होते हैं एम फेज, जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस फेज। और एम फेज में ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले है इंटरफेज। इंटर यानी मध्य अवस्था। द सेल इज एंगेज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड परफॉर्मिंग इज इट्स प्रिपेयर फॉर माइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है, सेल जो होते हैं उसमें माइटोटिक एक्टिविटी होती है और अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करती है। क्रोमोजोम्स आर नॉट क्लियरली डिस्कर्न इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। ऑल्दो डार्क स्पॉट कॉल्ड न्यूक्लियोलस मे बी विजिबल। इसमें न्यूक्लियोलस जो कि डार्क स्पॉट के रूप में नजर आता है, कभी कभी दिख सकता है। द सेल में कंटेन ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल। इस सेल के अंदर दो एक पेयर सेंट्रियोल भी होते हैं और माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइज सेंटर इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर माइक्रोट्यूबुल्स होती है, बोथ ऑफ विच आर ऑर्गेनाइज साइट्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल। दोनों ही माइक्रोट्यूबुल बनाने का काम करती है। सेकेंड अवस्था है प्रोफेज। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस बिगिंस टू कंडेंस। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस होने लग जाता है, धागेनुमा संरचना में चेंज होने लग जाता है एंड बिकम विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप एज ए क्रोमोजोम। और माइक्रोस्कोप के अंदर यह क्रोमोजोम के रूप में दिखाई देता है। द न्यूक्लियोलस इज डिसअपियर। न्यूक्लियोलस होता है जो डार्क स्पॉट है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। सेंट्रियोल्स बिगन्स मूविंग टू अपोजिट साइड एंड ऑफ द सेल एंड फाइबर एक्सटेंड फ्रॉम द सेंट्रोमियर। इसके अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ये ग्रीन कलर के जो दिखाई दे रही है सेंट्रियोल्स होते हैं, ये अपोजिट साइड में, एक इधर जाएगा और दूसरा इधर की तरफ जाएगा, अपोजिट साइड में चले जाते हैं और उसमें फाइबर एक्सटेंड सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। सम फाइबर क्रॉस द सेल टू फॉर्म
माइटोटिक स्पिंडल, कुछ फाइबर होते हैं वो सेल्स के बीच में पासेस होते हैं जो माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं। अब है प्रो मेटाफेज, यानी मेटाफेज से आने से पहले एक पहली वाली अवस्था। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजोल्व, जो सेल्स के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिजोल्व हो जाती है, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ प्रो मेटाफेज। प्रोटीन अटैच टू द सेंट्रोमियर क्रिएटिंग द काइनेटोकोर, जो प्रोटीन होते हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं और काइनेटोकोर बनाते हैं। माइक्रोट्यूबुल अटैच टू द काइनेटोकोर एंड द क्रोमोजोम बिगिंस मूविंग, जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं यानी माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वो काइनेटोकोर से अटैच रहते हैं और क्रोमोजोम मूव करने लग जाते हैं, क्रोमोजोम एक दूसरे की साइड में इधर आगे पीछे मूविंग करते हैं। अब है मेटाफेज, प्रो के बाद मेटाफेज। स्पिंडल फाइबर्स लाइन द क्रोमोजोम अलोंग द मिडल ऑफ द सेल न्यूक्लियस, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं साइड में जो ग्रीन कलर के फाइबर्स हैं इनके बीच में ही ये क्रोमोजोम आ जाते हैं, बीच में आकर क्रोमोजोम अटैच जुड़ जाते हैं एक साथ लाइन में सारे क्रोमोजोम आ जाते हैं और इस अवस्था को हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। पोलर माइक्रोट्यूबुल एक्सटेंड फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर एंड टिपिकली ओवरलैप काइनेटोकोर, माइक्रोट्यूबुल एक्सटेंड फ्रॉम द पोल टू द काइनेटोकोर। पोलर जो माइक्रोट्यूबुल होते हैं वो पोल से इक्वेटर की तरफ एक्सटेंड होते हैं और ऐसे ही दूसरे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल होते हैं वो पोल से काइनेटोकोर की ओर एक्सटेंड होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू इंश्योर दैट इन नेक्स्ट फेज व्हेन द क्रोमोजोम आर सेपरेटेड ईच न्यू न्यूक्लियस विल रिसीव वन कॉपी ऑफ द ईच क्रोमोजोम, आगे चलकर जो क्रोमोजोम से ये क्रोमोजोम कुछ आधे क्रोमोजोम ऊपर चल जाएंगे और आधे क्रोमोजोम नीचे आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्रोमोजोम दो पार्ट में सेपरेट हो जाएंगे जिसके अंदर एक एक क्रोमोजोम्स की कॉपी प्राप्त हो जाएगी। एनाफेज, द पेयर्ड क्रोमोजोम सेपरेट एट द काइनेटोकोर एंड मूव टू द अपोजिट साइड, जैसे ये क्रोमोजोम पेयर में थे अब ये क्रोमोजोम बीच में से सेपरेट हो जाते हैं और पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। द क्रोमोजोम्स आर पोल्ड बाय द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल टू फॉर्म पोल्स एंड फॉर्म ए वी शेप, जो क्रोमोजोम्स है वो इन स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूबुल द्वारा खींचे जाते हैं जिसकी वजह से पोल्स की तरफ खींचे जाएंगे और वी टाइप का शेप बन जाएंगे, जैसे ये क्रोमोजोम्स का वी टाइप का शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। मोशन रिजल्ट फॉर्म ए कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटोकोर मूविंग अलोंग द स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल एंड थ्रू द फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ पोलर माइक्रोट्यूबुल, काइनेटोकोर मूवमेंट के वजह से इनमें मोशन उत्पन्न होता है और माइक्रोट्यूबुल जिसकी वजह से जो क्रोमोजोम्स है वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं और अपोजिट साइड में खिंच जाते हैं और जो क्रोमोजोम है पोलर साइड में यानी ध्रुव की तरफ चले जाते हैं धीरे धीरे। अब है टेलोफेज, क्रोमेटिड अराइव्स एट अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो दोनों ही अपोजिट पोल्स की तरफ ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं सेल्स और न्यू मेम्ब्रेन इनके चारों तरफ ये दो डिवाइड हो जाएगी, दो सेल्स बन जाएंगे और इनके चारों तरफ एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। द क्रोमोजोम्स डिसअपियर एंड आर नो लॉन्गर विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, जो क्रोमोजोम थे जो पहले आसानी से माइक्रोस्कोप में दिख जाते थे अब वो धीरे धीरे कंडेंस होने लग जाते हैं और धागेनुमा संरचना में बदलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्रोमोजोम धागे की संरचना में चल जाते हैं और आसानी से दिखाई नहीं देते। द स्पिंडल फाइबर डिसअपियर एंड साइटोकाइनोसिस स्टार्ट, और जो स्पिंडल फाइबर जो बनना शुरू हुए थे शुरुआत में वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है और न्यूक्लियोलस भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है और अब टेलोफेज के बाद फिर साइटोकाइनेसिस अवस्था स्टार्ट होती है। अब है साइटोकाइनेसिस, एनिमल सेल्स इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स व्हेन ए फाइबर रिंग कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन अराउंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस कॉन्ट्रैक्ट पिंचिंग ऑफ द सेल इंटू टू डॉटर सेल ईच ऑफ वन न्यूक्लियस। एनिमल सेल्स में क्या होता है कि जब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है उस दौरान जो एक्टिन एक्टिन प्रोटीन होता है वह सेल्स को सेंटर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बीच में से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेल से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और हर एक के पास अपना अपना न्यूक्लियस हो जाता है।
और प्लांट सेल्स के अंदर के साइटोकाइनेसिस क्या होता है, इसके अंदर सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल वॉल, दोनों के बीच में एक न्यू सेल वॉल का सिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से डॉटर सेल दोनों ही दोनों सेल दोनों समसूत्र कोशिकाएं जो होती है वो आपस वो एक दूसरे से डिवाइड हो जाती है और उनके बीच में क्लीवेज फोरो बन जाता है, यानी खांच बन जाती है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और एक कोशिका दो कोशिका में डिवाइड हो जाती है। तो इसमें जो जो नई कोशिका बनेगी इस माइटोसिस डिवीजन के दौरान वो एज इट इज़ पेरेंट कोशिका के तरह ही बनेगी, तो यानी ये एक तरह की समसूत्री विभाजन कहलाता है। इसमें क्रोमोजोम्स एक की जगह एक से बनकर दो दो क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन होता है और जो कोशिकाएं बनती हैं नई कोशिका बनती है वो पेरेंट कोशिका की तरह ही सेम होती है, इसलिए इसे समसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे, आज हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट में मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे, मियोसिस क्या होता है, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती है। थैंक यू।